हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य ना। आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। इसके पहले के वीडियो हमने अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ा दिया है। आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए, प्लेलिस्ट में हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें है, आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको पता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड। टाइप फर्स्ट वो होता है जिसमें क्वेश्चन वर्ड, जिसमें क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता है, जैसे क्या वह जाता है ना, क्या वह जाता है, क्या क्या, इसमें क्या जो है क्वेश्चन वर्ड है वो पहले आ गया है। क्वेश्चन वर्ड जिसमें पहले आ जाता है वो फर्स्ट टाइप का होता है। और जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाता है, जैसे वह क्यों जाता है, वह कहाँ जाता है ना, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाता है, तो ये सेकंड टाइप हो गया। तो इसी प्रकार से देखिए, हमने दे दिया है सबके लिए, दोनों के लिए। टाइप एप के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? डू या डज। फिर क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड ना। तो चलिए हम पहले प्रकार के देख लेते हैं, जैसे उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण ना, एग्जाम्पल एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे क्या वह, क्या वह पढ़ता है, क्वेश्चन मार्क। चलिए देखते हैं, हमने और एग्जांपल्स लिख लिए हैं यहाँ पर, ताकि हमें वीडियो बनाने में वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने, इसलिए हमने पहले से एग्जांपल लिख लिया। तो जैसे एग्जांपल लिख लेते हैं, क्या वह पढ़ता है। देखो इसमें क्वेश्चन वर्ड जो है पहले आ गया है ना, क्वेश्चन वर्ड पहले आ गया है, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? डू या डज लगाएंगे। वह एक वचन है ना, वह एक वचन के साथ क्या लगता है? डज, 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 डज के बाद करता यानी कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? ही। डज ही रीड, डज ही रीड, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर देखिए यस या यस नहीं लगेगा, क्योंकि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यस या यस नहीं लगता है, यस या यस केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में लगता है। हमने ये बात आपको पहले बता दिया है, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस जब हम पढ़ा रहे थे तभी हमने ये चीज़ आपको बताया है। तब दूसरा देख लेते हैं, क्या तुम रोते हो। तो क्या तुम, देखो क्या इसमें क्वेश्चन वर्ड जो है पहले आ गया है, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? डू या डज। तो तुम बहुवचन है, तुम बहुवचन के साथ क्या लगेगा? डू। बहुवचन के साथ क्या लगेगा? डू, डू यू। रोनक इंग्लिश क्या होगा? क्राई। इसमें यस या यस लगेगा ही नहीं, तो क्वेश्चन मार्क, डू यू क्राई। अब उसके बाद देख लेते हैं, क्या वह मैदान में हॉकी खेलते हैं। तो क्या, देखो क्वेश्चन वर्ड इसमें पहले आ गया है, क्वेश्चन वर्ड आ गया है ना, शुरू में आ गया है, तो इसमें भी डू या डज लगेगा। तो वह बहुवचन है, इसके साथ क्या लगेगा? डू, डू दे प्ले हॉकी इन द, इन द ग्राउंड, क्वेश्चन मार्क। देखो पहले सबसे पहले क्या लिखा? हेल्पिंग वर्ब यानी कि डू या डज। सबसे पहले क्या लगाया? डू या डज। डू या डज के बाद क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वह। वह की इंग्लिश क्या होगी? दे। दे के बाद हम क्या लिखेंगे? वर्ब, वर्ब लिखेंगे ना। दे के बाद हम वर्ब लिखेंगे, वर्ब क्या है? खेलना, हॉकी खेलना। तो प्ले, डू दे प्ले, प्ले के बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? हॉकी ना। ऑब्जेक्ट डू दे प्ले हॉकी इन दी, इन दी ग्राउंड क्या है? अदर वर्ड। तो इसको सबसे लास्ट में लिख देंगे, क्या हो गया? डू दे प्ले हॉकी इन दी ग्राउंड। उसी तरह से देख लेते हैं अगला एग्जांपल, क्या मैं प्रतिदिन सुबह टहलने जाता हूँ। तो यहाँ पर भी क्या आ गया? तो क्या साथ क्या लगेगा? ओ क्या आ गया, तो यहाँ पर क्या है? मैं बहुवचन है, इसके साथ क्या लगेगा? डू, डू आई टहलने जाना ना, गो, गो के बाद फिर क्या लगेगा? फॉर, गो फॉर वॉक, टहलने के लिए ना, टहलने, टहलने के लिए, गो फॉर वॉक। सबके बाद क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? प्रतिदिन सुबह, एवरी डे मॉर्निंग या डेली मॉर्निंग ना, एवरी डे मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार देख लेते हैं, वह कक्षा में क्यों रोता है, कक्षा में क्यों रोता है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया है ना, वाक्य के बीच में आ गया है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्यों, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है? वाई।
तो सबसे पहले क्या लिखेंगे वाई, वाई के बाद फिर क्या लिखेंगे, वाई के बाद हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड के बाद डू या डज, डू या डज के बाद फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद फिर वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या लिखेंगे डू या डज, डू या डज क्या यहाँ पर क्या लगेगा, क्या वाह वाह एक क्वेश्चन है ना, क्या लगेगा डज, वाई डज ही, वाई डज ही कक्षा में क्यों रोता है, वाई डज ही क्राई, क्राई इन दी क्लास, इन क्लास क्वेश्चन मार्क। उसी प्रकार देख लेते हैं, जब क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर एक चीज़ हम भूल गए गलती से, सॉरी, यहाँ पर प्लस में लिख देंगे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर भी प्लस में क्वेश्चन मार्क ना। उसके बाद अब देखते हैं ना, क्लास हो गया। अब उसके बाद देखो, तुम विद्यालय कहाँ जाते हो, तो कहाँ की इंग्लिश क्या होगी, वेयर, वेयर के बाद क्या लिखेंगे डू या डज, डू, एक तुम बहुवचन है तो यहाँ पर क्या लगेगा डू, वेयर डू यू गो, वेयर डू यू गो, वेयर डू यू गो टू स्कूल, तुम विद्यालय मतलब तुम्हारा विद्यालय कहाँ है, तुम विद्यालय कहाँ पढ़ने जाते हो, वेयर डू यू गो टू स्कूल, तुम मेरे भाई को क्यों पीटते हो, तुम मेरे भाई को क्यों पीटते हो, तो क्योंकि इंग्लिश क्या होगी, वाई डू यू, पीटने की इंग्लिश क्या होगी बीट, बी ई ए टी, वाई डू यू बीट, बीट के बाद ऑब्जेक्ट क्या है, मेरे ब्रदर, मतलब मेरे भाई को ना, माई ब्रदर, बीट माई ब्रदर, तुम मेरे भाई को क्यों मारते हो, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर भी ना। आप आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और पढ़ते रहो। धन्यवाद।